हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको सर्जन ने एडवाइस किया कि आपको टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवानी है तो ये आगे की जानकारी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। मैं डॉक्टर अदीब, सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एट इनामदार हॉस्पिटल पुणे। अगर सर्जन ने आपको ये बताया है कि आपको टोटल नी रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत है, इसका मतलब है कि आपको नी पेन काफ़ी बढ़ गया है और नी पेन बढ़ने की कारण यूजुअली ओल्ड एज में ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। ये कंडीशन में जो नीज होती है वो घिस जाती है और उससे पेशेंट को काफ़ी तकलीफ और पेन होती है। लेकिन कितना पेन है कि आपको नी रिप्लेसमेंट की अभी ज़रूरत पड़ेगी, वो सिवियरिटी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको नी रिप्लेसमेंट एडवाइस किया है, दैट मीन्स द पेन इज़ क्वाइट सिवियर। उसमें इंडिकेशन यही कि आपको पेन कुछ न करने का भी कभी पेन होता है, यानी उसको रेस्ट पेन बताते हैं। फिर आपको अगर नाइट में पेन हो रहा है, अगर नाइट में ऐसा पेन हो रहा है कि नी हिलाने से आप उड़ जा रहे हैं, नींद खुल जा रही है आपकी, तो उसको सिग्निफिकेंट नाइट पेन कहते हैं। प्लस अदर फैक्टर इज़ कि अगर आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ है उसमें कोई फ़र्क पड़ रहा है, सिग्निफिकेंट फ़र्क पड़ रहा है, तो उसको भी काफ़ी सीरियसली लेते हैं हम लोग। तो उसमें मेन इंडिकेटर होता है कि आप कितना चल पा रहे हैं। अगर आपका चलना जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो गया है और इतना अभी कम हो गया है कि आप डेली एक्टिविटीज़ मैनेज नहीं कर पा रहे, उसको सिग्निफिकेंट माना जाता है। प्लस अगर आपको रेगुलरली पेन किलर्स लेने की ज़रूरत पड़ रही है, दैट इज़ ऑल्सो इंडिकेशन कि आपको अभी शायद ऑपरेशन से फ़ायदा होगा। ये सब मिला के आपकी जो एक्सरेज है उसमें भी सिग्निफिकेंट चेंजेस दिखने चाहिए, उसमें भी सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस के चेंजेस दिखने चाहिए। अगर ये सब चीज़ें होती है तो फिर आपको टोटल नी रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत है। अब टोटल नी रिप्लेसमेंट हमारे हॉस्पिटल में पूरा टीम अप्रोच से होता है। उसमें सर्जन जो है मैं हूँ, प्लस एनीस्थेटिस्ट है, प्लस फिजिशियन है, प्लस हमारे फिजियोथेरेपिस्ट है, प्लस नर्सिंग स्टाफ है थिएटर में और वार्ड में। ये सब मिलके हम लोग एक अच्छी सर्विस डिलीवर करना चाहते हैं। उसमें आपको 4 या 5 दिन हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा। ऑपरेशन टाइम जो होता है वो यूजुअली आई टेक अप्रॉक्सीमेटली 1-1.5 आवर्स टू डू द ऑपरेशन, प्लस जो ऊपर का 2 या 3 घंटा आपको एनेस्थीजिया पोस्ट ऑफ वगैरह में लगता है इन थिएटर। बाकी आप सेकेंड डे से फिजियोथेरेपिस्ट आके आपको चलाना शुरू करेंगे और आपको 3rd या 4th डे आपको डिस्चार्ज किया जाएगा। 2 हफ्ते के बाद आपको आना है फॉर स्टिच रिमूवल, एंड ड्यूरिंग दोज 2 वीक्स आपको 3 या 4 दिन में एक बार ड्रेसिंग कराना है, प्लस घर पे आप फिजियोथेरेपी कंटिन्यू करें तो आपका रिजल्ट अच्छा होगा। जो रिकवरी टाइम है टोटल आप एक 4 to 5 वीक्स लगता है आफ्टर नी रिप्लेसमेंट, एंड यूजुअली लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि जॉइंट रिप्लेसमेंट के संकेत या इंडिकेशंस क्या है। तो पहला संकेत है कि सिग्निफिकेंट पेन, उसमें रेस्ट पेन एंड नाइट पेन। सेकंड इंडिकेशन यह है कि आपके डेली एक्टिविटीज़ जो है वो लिमिटेड है, यानी वॉकिंग डिस्टेंस आपका डिक्रीज हो गया है। और थर्ड इंडिकेशन है कि आपको पेन किलर्स वगैरह रेगुलरली लेने पड़ रहे हैं, एंड ऑल दिस ओवर अ पीरियड ऑफ मे बी 3 to 6 months मिनिमम। प्लस आपके एक्सरेज पे ऑस्टियोआर्थराइटिस के साइंस है, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस एट इनामदार हॉस्पिटल, और प्लीज़ लीव अ मैसेज इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।